मेरे मालिक मुझे अपने साथ सोने के लिए 2 करोड़ रुपए दे रहे थे, पर मैं शादीशुदा थी। लेकिन 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगाई जरूर थी, कि सिर्फ एक रात की ही तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी सोचने के लिए। मैं सोच रही थी कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए मैंने उनको हाँ कह दिया। जिस रात मैं मालिक के साथ सोई, उस रात मालिक ने पूरी रात मेरे साथ अपने घर में, पूरी पूरी रात मैं सुकून से सो नहीं पाती थी। हमारा छोटा सा घर था, मालिक की कही हुई बात को अपने पति को कैसे बताऊं ये समझ नहीं आ रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां नजर आती थी, और जब आंखें खोलती तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाजें आ रही थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही मेरे पति आराम से सो रहे थे, गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर, पर मुझे तो आज जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाती थी, लेकिन जब से मालिक ने मुझे वो ऑफर दिया था तब से मेरी नींद तो जैसे गायब हो गई थी। अपने घर की हर चीज में कुछ ना कुछ कमी सी नजर आने लगी थी मुझे। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की ही मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकती थी? पहले तो मैंने मालिक की बातों को सुनकर मना ही कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ, जिस गरीबी में मैं और मेरे पति जी रहे थे कई सालों से। 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने मालिक से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 2 दिन का और वक्त दें। वो मान गए। 2 दिन भी इसी तरह निकल गए। मालिक ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैंने ना जाने क्यों पर हाँ में सर हिला दिया और मैं घर लौट आई। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपने पति से बात नहीं की थी, क्या बोलती मैं उन्हें। फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उन्हें मना ही लूंगी। दिमाग में बस 2 करोड़ रुपए चल रहे थे। लग रहा था कि एक बार ये पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैंने अपनी पति की मदद करने के लिए एक कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करती थी और वहां पर सुपरवाइजर थी। वैसे तो वहां पहले भी काफी औरतें सुपरवाइजर का काम कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वो मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आते थे। जैसे उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। कई बार वो दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाते थे, पर मुझ पर वो आज तक कभी नाराज नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। गलतियां हुई थी, पर ना जाने क्यों वो मुझ पर मेहरबान थे। मुझे नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 8-9 महीने का ही समय हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनकी काफी मेहरबानियां मुझ पर थी। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोगों को जो वहां पर काम करते थे वो भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यही कहती थी कि भाई हमें भी ऑफिस को ज्वाइन करे हुए 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मालिक ने आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ 1 ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 8 ही महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करती हो तुम मालिक का? उनका ताना मुझे बखूबी समझ आ रहा था। उतने में ही एक दूसरी औरत कहने लगी कि अरे मालिक तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानियां हो जाती हैं, वरना इसको आता ही क्या है, हम लोग जितना काम करते हैं ये उसका आधा भी नहीं करती। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मैं भी वही काम करती हूँ जो तुम करती हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती मैं मालिक के लिए। मैं क्या करूं अगर वो मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं तो? अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो उनसे जाकर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं बेहद चिल्लाकर बोली थी। काफी लोग वहां जमा हो गए थे। 1-2 औरतें मुझसे बहस करने लगी, उतनी ही देर में मालिक भी वहां आ गए। वो पूछने लगे कि क्या बात हो गई, क्यों आपस में लड़ रहे हो? ना जाने मुझे क्या हुआ था, मैंने भी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी, उन औरतों के बारे में भी बता दिया जो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रही थी। वो औरत उनके सामने नजर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वो कहने लगे कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी मैं किसी की भी सैलरी बढ़ाऊं, अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो आज से ही ये जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? किसने हक दिया है आपको ये सब बोलने के लिए?
मालिक का इतना कहना था कि बाकी औरतों की जैसे बोलती ही बंद हो गई हो। मालिक कहने लगे कि आगे से मैं इस तरह की बातें ना सुन लूं। यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कान में अब से इस तरह की बातें आई तो उसे मैं उसी समय नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की ऐसी बातों को सुनकर तो मैं सोच रही थी कि वो कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं, और मुझे बहुत सुकून भी था। लेकिन शायद मेरी सोच गलत, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गई थी। एक दिन मेरी कंपनी के मालिक ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुम मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने घर चले गए। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में ही थी। इंतजार कर रही थी कि वो मुझे कब बुलाएंगे। तभी उन्होंने मुझे आवाज लगाई और अपने कैबिन में बुलाया। अब वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी कि उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया है। वो बेहद सुकून से अपने कैबिन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि सर मुझे देरी हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे उस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा, हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए मन से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड भी घर आ गए होंगे, घर का काम भी करना है, और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा है। मैं चुपचाप बैठकर उनके सामने उनके मुंह की तरफ देख रही थी कि अब वो क्या बोलने वाले हैं। कुछ देर तक उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही। वो मुझे बेहद ध्यान से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी आज। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाली थी। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान ही रह गई। वो कहने लगे कि निशा तुम बेहद खूबसूरत हो, जब भी आपको देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे देरी हो रही है, मैं घर चलती हूँ, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा इतना कहते ही उनके चेहरे का तो जैसे हाव भाव सब बदल गए, वो चुप हो गए। मेरी बात को सुनकर वो हैरानी से मुझे देखने लगे, कहने लगे कि आप शादीशुदा हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। वो बिल्कुल चुप हो गए। उसके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगे कि आपके पति क्या करते हैं और कहाँ नौकरी करते हैं, और फिर आप क्यों नौकरी करती हैं। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पति एक कंपनी में ही नौकरी करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। बस उनकी मदद करने के लिए मैं भी नौकरी करती हूँ, हम दोनों साथ में कमाते हैं तो अपना घर चला पाते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है आप जा सकती हैं। वो आगे कहने लगे कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कल सुबह समय से आ जाना। वो काफी उदासी भरे अंदाज में ये बात बोल रहे थे। मैं उठी और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गई। मेरे पति भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई औलाद नहीं थी और ना ही हम अभी कुछ चाहते थे, क्योंकि सच कहूं तो हमारी हैसियत नहीं थी एक बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की जिंदगी मैं और मेरे पति जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को भी वैसे ही जिंदगी जीनी पड़े। अगले दिन से मैं रोज की ही तरह अपनी नौकरी पर जाने लगी और समय से निकल जाया करती थी। कुछ दिनों तक तो मालिक खामोश थे, मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात शायद बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे ये बात कर लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद भी करेंगी। मुझे उनकी ऐसी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मैं उनकी कंपनी की एक मामूली सी नौकरी करती थी, मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकती थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अभी 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी एक बात माननी होगी। वो बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान जाती। पहले तो मैंने सुनने के साथ ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बार को सोच में पड़ गई, क्योंकि ये रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की बहुत जरूरत थी।
मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ और मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि तुमने जितना समय मांगा है मुझे उतने समय के अंदर अंदर ही जवाब दे देना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे अपने पति से एक बार पूछना था, उन्हें तो मुझे बताना ही था, उनकी बिना इजाजत में ये काम नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था, एक दूसरे को हमेशा समझा था और एक साथ मिलकर ही अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वो बात छोटी भी नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि वो मेरी बात को सुनते ही मना कर देंगे, पर सिर्फ 1% की उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएं, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर वो मेरी बात मान जाते तो मुझे बस 1 साल ही तो उनसे दूर रहना था, उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन साल भर पता नहीं वो मानते या नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे पूछूं, कहीं वो गुस्से में मुझे थप्पड़ ना मार दें। 50 बातें मेरे मन में आ रही थी। आखिर ये बात उनकी इज्जत पर जो लगने वाली थी, कोई भी मर्द इस तरह से अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर पैसा नहीं लेना चाहेगा। वो पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजार रही थी, बस यही सोच रही थी कि उनसे कैसे बात करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा, जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था हमारा। हम दोनों मेहनत इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपना घर खरीद पाए। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने पति से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। जब शाम को वो घर आए तो अपनी पसंद का खाना देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ एक परेशानी भी थी। देखते ही कहने लगे कि ये सब मत बनाया करो, जानती हो ना कितनी महंगी आती है ये सब खाने की चीजें, हमारे हालात ये सब खाने के नहीं है, ये पैसे रहते तो अगले 7 दिन तक का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा खर्चा क्यों कर दिया, क्यों इतना सारा अच्छा खाना बना लिया। मैंने कहा कि क्या हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ पैसे बचाएं कहाँ नहीं, क्या चीज खाएं और क्या नहीं। मेरी बातों को सुनकर वो कहने लगे कि तुम तो जानती ही हो सब कुछ, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है, अब हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, देखो शायद समय के साथ इन हालातों से बाहर निकल जाएं। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम 1 ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने खाना साइड कर दिया, कहने लगे कि ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे हम 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने मेरी बात को बेहद शांति और खामोशी से सुना। उनको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, वो बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उनके मन से बात लेने के लिए मैंने उन्हें कहा कि सोच रही हूँ कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी तरफ गौर से देख रहे थे, कहने लगे तुमने तो मुझे बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है, क्या कहूं मैं तुम्हें, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक तुम्हें देने के लिए कह रहे हैं वो वाकई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वो भी मेरी तरह उस उलझन और परेशानी से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजर रही थी। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम उनकी बात मान लो। मेरे मालिक ने कहा था कि वो बे औलाद हैं और उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा। बहुत समय से उनकी बीवी एक बांझ है, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया है कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। वो और उनकी बीवी दोनों को ही एक बच्चे की इच्छा है। वो कह रहे थे कि वो चाहें तो वो बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो अपना खून चाहते हैं। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मालिक ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी, मुझे सिर्फ औलाद चाहिए और कुछ नहीं। अब क्योंकि तुम शादीशुदा हो तो तुम परेशान मत हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी कोख चाहिए और कुछ नहीं। डॉक्टर की मदद से तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी, जितने समय तुम प्रेग्नेंट रहोगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमारे साथ रहना होगा ताकि हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर पाएं और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहता हूँ मैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे पति इस बात से राजी हो गए थे। मालिक को जाकर मैंने अगले दिन ही हाँ कह दी थी। अब आगे का सारा काम शुरू हुआ। डॉक्टर की मदद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर ले गए।
जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था। अब कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अपने पति के आसपास बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। वैसे ही मालिक की बीवी भी मुझे देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाया करती थी। उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बस मजबूरी थी वो मुझे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि मालिक मेरा ध्यान रखते थे। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज का वो ध्यान रख रहे थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, मैं उनसे बहुत कम मिल पाती थी। मालिक मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अच्छा अच्छा खाने को देते थे, अच्छी अच्छी जगह घुमाने लेकर जाते थे, शॉपिंग भी कराते थे ताकि मेरा मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रख रहे थे वो मेरा। मेरी दवाइयों से लेकर जूस दूध हर चीज का ध्यान मालिक रखते थे। मैं भी वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी, कब ये समय खत्म होगा और मैं अपने पति के पास वापस जा पाऊंगी। मैं जब अपने पति से मिलती थी या उनसे फोन पर बात करती थी तो वो अक्सर मुझे उदास दिखते थे, बहुत उदास रहते थे। कहते थे कि मैंने तुम्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे किसी और आदमी के पास नहीं देख पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं कैसे ये समय निकाल रहा हूं। मैंने उन्हें कहा कि बस अब कुछ समय की ही तो बात रह गई है, अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लीजिए। आप जानते हैं ना, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, आए दिन की हमारे खाने की परेशानी भी तो खत्म हो जाएगी। आप तो जानते ही है ना कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मुझे बस तुम चाहिए, मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। काफी इंतजार करने के बाद आखिर वो समय भी आ गया जब ये वक्त खत्म होने को आया। मैंने एक सुंदर से और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैंने उस बच्चे को मालिक के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास चली गई। काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाती रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पति को फोन करने की भी कोशिश की पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन में गिरे हुए थे। मैंने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वो इस दुनिया से जा चुके थे। शायद वो मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक परेशान हो चुके हैं, वो दुनिया से चले गए। मैंने यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपने मालिक के पास गई, सोचा उन्हीं से कोई काम मांगकर वहां रह लूंगी। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, मैं उनके बच्चे की माँ हूँ, वो मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मैं बेहद झिझकते हुए उनके घर पहुंची। गेट पर खड़ी थी तो मैंने देखा कि मालिक अपनी पत्नी के साथ थे और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाए हुए प्यार कर रहे थे। अपनी पत्नी को भी उन्होंने गले से लगा रखा था। वो तीनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालिक की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे कहने लगे कि अरे, तुम्हें तुम्हारे पति से के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया, कितनी हड़बड़ाहट में चली गई थी। उन्होंने वो 2 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने जब मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे पति मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। मैंने तो ये काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनकी और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। मैंने उन्हें वो पैसों का चेक वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए थे ऐसे पैसे जिन पैसों की वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए। मैंने उनसे बस इतना कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे कुछ काम दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर में ही काम दे दिया। मैं उनके घर का काम करके अपना गुजारा चला लेती हूँ, अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। मेरे लालच के चक्कर में देखो क्या से क्या हो गया। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया था या गलत, लेकिन जो हुआ वो बेहद गलत था, चाहे उसके पीछे मेरी सोच अच्छी थी या खराब। आपको क्या लगता है, मैंने गलत किया था? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।